अस्सलाम वालेकुम, MTH 100 जनरल मैथमेटिक्स। टुडे टॉपिक नंबर 3। अच्छा, टॉपिक नंबर 3 हमने किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचलॉन फॉर्मिंग। ठीक है, एक मैट्रिक को एचलॉन फॉर्म में कैसे करते हैं, तो उसके कुछ तरीके होते हैं। डेफिनेशन में लिखी हुई है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक है, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी, 4 5 6, ठीक है, इस तरह का कोई भी मैट्रिक है, उसको हम एचलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसको एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि ये स्टेप्स हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास नॉन ज़ीरो रो। नॉन ज़ीरो रो का मतलब होता है जो ज़ीरो ना हो, यानी कि जो गिनती का कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 हो, लेकिन ज़ीरो ना हो। ठीक है, कह रहे हैं कि वो क्या करेगा, बिगेन विद 1, यानी कि वहाँ पर 1 होगा, यानी कि 2 3 कोई और नंबर ना होगा, उसको हम कहते हैं लीडिंग वन। ठीक है, अब उस लीडिंग वन को हम कहाँ पे लिखते हैं, एवरी लीडिंग वन, ठीक है, इज़ लोअर रो इन फर्दर द राइट ऑफ द लीडिंग वन। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे है ना 1, ठीक है, तो ये फर्स्ट रो है। कह रहे हैं कि अगली रो में इसके एक नंबर राइट पे जाएगा, यानी कि इससे एक नंबर आगे 1 होगा, फिर उसे अगली रो पे जहाँ पे ये 1 था उससे एक नंबर आगे होगा। ठीक है, फिर उससे आगे, जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता वैसे, ऐसे होगा। अच्छा, और टू द राइट ऑफ द लीडिंग वन अबाउट इट, यानी कि जो ऊपर वाला है ना उसके नीचे जो होगा ना वो एक नंबर राइट भी होगा, सेकंड रो का ये मतलब है। इसी तरह थर्ड में क्या कह रहे हैं, इफ़ देयर आर जीरो रोज, ठीक है, दे आर एट द एंड ऑफ द मैट्रिक। ठीक है, यानी कि मैट्रिक के एंड में होगा ये। प्रॉपर मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में ये मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे, अच्छा मैं इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ। हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे होता है 1, उसके नीचे एक नंबर आगे 1, उसके नीचे एक नंबर आगे 1, तो यहाँ पे नीचे जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं एचलॉन फॉर्म। ऊपर कोई भी गिनती का नंबर हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे 2 है 3 है 4 है, ठीक है, ये एचलॉन फॉर्म है। लेकिन अगर हमें कहते हैं कि रिड्यूस एचलॉन फॉर्म लिखें, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे भी 0 होता है, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में यहाँ पे भी 0 होता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी कि जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक होता है वैसे। ठीक है, इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना होता है मैट्रिक को। ठीक है, अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट करने का कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको हम कहते हैं रो ऑपरेशन। ठीक है, इसका हम रो ऑपरेशन करते हैं, ये यहाँ पे मेंशन है कि रो ऑपरेशन हम लोग करते हैं। अब रो ऑपरेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं। रो ऑपरेशन में हम क्या क्या ऐसा करके एक नंबर को 0 बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एचलॉन फॉर्म में 0 और 1 यूज़ होता है और रिड्यूस एचलॉन में। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक रो को, एक इक्वेशन को, ठीक है, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, गिनती के किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाली रो को नीचे ले आते हैं, नीचे वाली रो को ऊपर ले आते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक सिस्टम है, AX = B। ठीक है, ये जो फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं एगुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, इस फॉर्म को हम कहते हैं, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे, इसमें क्या कह रहे हैं, वही कि हम रो को कांस्टेंट के साथ वही सारा स्टेप बता रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक इक्वेशंस है, एक नहीं बल्कि 3 इक्वेशन है, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 इक्वेशन है, और क्या कह रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन। अब ये हमें ये नहीं कह रहे कि रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के मैथड से करें, या एचलॉन फॉर्म के मैथड से करें, या एगुमेंटेड मैट्रिक के मैथड से करें, इसको हम किसी भी मैथड से कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको ये किस मैथड से सॉल्व आउट करें। देखें, सबसे पहले तो इसको ये मैट्रिक की फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे देखें, पहला एलिमेंट है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, उसके नीचे क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 तो 3 आएगा। इसी तरह हमने सेकंड को करना है, तो सेकंड में क्या है, 2 तो 2 आएगा, फिर टू, और नीचे 5 है तो नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने ये जो साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसके सारे कॉन्स्टेंट नंबर जो थे वो एक मैट्रिक में लिख लिए। फिर एक और मैट्रिक बनाना है, ठीक है, यहाँ पे उसमें हमने वेरिएबल लिखने, जो वेरिएबल यूज़ हो रहे थे, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, एक एक्स यूज़ हो रहा है, एक वाई यूज़ हो रहा है, और एक जी यूज़ हो रहा है। ठीक है, 3 लिख लिए। अब इक्वल के इस साइड पर जो नंबर होते हैं ना, 1 2 1, इसको हमने एक अलग मैट्रिक में लिखा है। अब आपकी मर्जी, अगर अगमेंटेड ये कह रहे हैं कि ये हम ये जो फॉर्म है ना, इसकी अगमेंटेड मैट्रिक फॉर्म है। देखिए, ये हमारे पास लेट्स सपोज ए मैट्रिक है, ये एक्स मैट्रिक है, और इज इक्वल टू बी मैट्रिक है, यही अगमेंटेड फॉर्म होती है ना, AX = B। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये किससे सॉल्व आउट करें। ये देखिए, इसको रो ऑपरेशन के मेथड से सॉल्व आउट करें, तो वही मैट्रिक, ये जो रो, जब रो ऑपरेशन करेंगे ना, तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये वाली भी और ये वाला कॉलम भी, ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो ए वाला का मैट्रिक था, ये पूरा यहाँ पे लिखेंगे, और थोड़ी सी स्पेस देके ये वाला भी इसी के अंदर एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, 3 कॉलम थे यहाँ पे, ये देखिए 3 कॉलम थे, एक ये ऐड होगा तो हमारे पास 4 कॉलम हो जाएंगे। ये देखिए, 4 कॉलम लिख ली। अब हमने इसका रो ऑपरेशन करना है, तो देखिए रो ऑपरेशन करने का क्या मैंने कहा था, कि सबसे पहले हम अब करते हैं, अब ये नहीं कह रहे कि रिड्यूस एचलॉन करें या एचलॉन फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले हम एचलॉन फॉर्म में करते हैं, फिर आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए,
फॉर्म में लिख लिया, अब इसका रो ऑपरेशन करेंगे। तो रो ऑपरेशन करने का एक पैटर्न होता है, ये देखिए आपको ये नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे पैटर्न, ठीक है। इस पैटर्न से सॉल्व आउट करना है, पहले हमने इस वन को लेना है, फिर इसके नीचे जाना है, फिर नीचे जाना है, उसके बाद हमने अगली रो पे इस एलिमेंट को सॉल्व आउट करना है, फिर उसके नीचे वाले को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने माइंड में ये रखना है कि हमने इसको वन बनाना होता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी वन है, इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे हमारे पास टू है, ठीक है। इस टू को हमने ज़ीरो बनाना है, हमारा ये मेन पर्पज़ है। अब इसको ज़ीरो कैसे बना सकते हैं, इसके क्या तरीके बताए थे, या रो को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, रो को इंटरचेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे टू है और यहाँ पे वन है। अब मैंने यहाँ पे नीचे ज़ीरो बनाना है टू को, तो अगर मैं इसको रो वन को, ठीक है, टू से मल्टीप्लाई करूँ तो ये देखिए टू वन ज़ा टू हो जाएगा, ठीक है। और इसी को रो टू को माइनस करूँ, ठीक है, तो टू माइनस टू ज़ीरो बन जाएगा। यानी कि मैंने टू से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया रो टू को, ठीक है, हमारे पास आ गया ज़ीरो। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे अगले स्टेप में ये ज़ीरो आ गया, ठीक है, ज़ीरो तो आ गया। लेकिन हमने अगर इस एलिमेंट को किया है ना, तो इसको पूरी रो के लिए सॉल्व आउट करेंगे। फिर इसी तरह हमने ये वाला ऑपरेशन, ठीक है, पूरी रो पे अप्लाई किया। जब पूरी रो पे अप्लाई किया तो हमारे पास ये पूरी रो क्या आ गई है, ये आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसको तो ज़ीरो बना लिया, अब हमने इसे नीचे वाले को, इसको भी ज़ीरो बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या तरीका है, वही हम कर लेते हैं कि इस रो को, ठीक है, इसको हम थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं, तो थ्री वन ज़ार थ्री हो जाएगा, और ये वाले रो जब हम माइनस कर लेंगे तो थ्री वन ज़ार थ्री हो जाएगा, तो हमारे पास थ्री माइनस थ्री ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने इस पूरे रो पे ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो हमारे पास सॉल्व आउट करके ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब हमने पैटर्न कौन सा जाना था, यहाँ से यहाँ पर और फिर वन पे जाना है, ठीक है। इसको अब हमारा पर्पज़ क्या है कि हमने इसको वन बनाना है, तो इसको वन बनाने का तरीका क्या है, देखें यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस वन है, तो मैं अगर नीचे वाली रो को ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, इस रो को, तो ऊपर माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इस पूरी रो को, ठीक है, और इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया, ऊपर वाली रो को नीचे ले गई, नीचे वाली को ऊपर, ठीक है, ये सॉल्व आउट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस भी मौजूद है, तो इस माइनस को भी ख़त्म करना है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि लीडिंग वन में हमारे पास एक साइड राइट पे जाते हैं वन होना चाहिए, यहाँ पे वन होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि माइनस रो टू किया, यानी कि इस पूरी रो को माइनस कर दिया, अब साइन चेंज हो जाएंगे सबके, तो ये देखिए पूरी रो के साइन चेंज हो गए। अब हमने ये देखिए यहाँ तक सॉल्व आउट कर लिया, अब इस पैटर्न कहाँ पे जाना है, नीचे जाना है, यानी कि नीचे हमने ज़ीरो बनाना है। तो नीचे ज़ीरो बनाने के लिए हमने क्या किया, रो थ्री प्लस टू आर टू, यानी कि इस रो टू को हमने टू से ऐड किया, तो टू मल्टीप्लाई बाई वन क्या हो जाता है, टू हो जाता है, और प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो प्लस करेंगे तो माइनस टू जब होगा तो हमारे पास टू माइनस टू जो हो जाएगा, जो कि ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो काम है, मेन जो हमारा टारगेट है, आपने उस पर फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो बनाना था माइनस टू को, तो ये देखिए ज़ीरो बन गया। अब ये ऑपरेशन हमने सिर्फ एक एलिमेंट पर नहीं करना, पूरी रो पे करना है। जब हम पूरी रो पे करेंगे ना, तो ये हमारे पास न्यू फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको भी वन बनाना है, ठीक है। तो इसको वन बनाने के लिए इन्होंने रो थ्री को डिवाइड किया है माइनस फोर से, ठीक है। तो ये आपके पास रो थ्री बन गया। अब ये देखिए इसकी बन गई है, ये देखिए यहाँ तक ये इसकी एचलान फॉर्म बन गया है। अब अगर आप इसकी रिड्यूस एचलान फॉर्म बनाना चाहते हो, ठीक है, तो ये ऊपर वाले को भी ज़ीरो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये एचलान फॉर्म हो गया। लेकिन अगर कहते हैं कि रिड्यूस एचलान फॉर्म करें, तो ऊपर वाले को भी ज़ीरो बनाना है, तो ये रिड्यूस एचलान फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब आप इन्होंने क्या किया, यहाँ तक इन्होंने बना लिया वन, अब इन्होंने इन दो को ज़ीरो बनाना है, ऊपर वाले दो को, ठीक है। इस चीज़ को छोड़ दें, ये राइट हैंड साइड वाली चीज़ है, ठीक है। तो इन दो को ज़ीरो बनाना है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, आर वन माइनस थ्री आर थ्री किया, यानी कि रो वन को, ठीक है, लिया और थ्री टाइम आर थ्री, यानी कि आर थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई किया, और ये देखिए ये है हमारे पास आर थ्री, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब आर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए थ्री आर थ्री वन ज़ार, ठीक है, इस एलिमेंट की बात हो रही है, थ्री वन ज़ार थ्री हो जाएगा, और हमारे पास आर वन इसमें क्या करनी है, माइनस करनी है, तो ये आर वन में थ्री है, तो थ्री माइनस थ्री करेंगे तो हमारे पास थ्री माइनस थ्री विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये देखिए ये एलिमेंट ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने ऊपर वाले के लिए नेक्स्ट ऑपरेशन यूज़ किया, इस वाले के लिए, ठीक है, ऊपर भी जीरो बन गया। अब हमारे पास इसकी रिड्यूस एचलॉन, अब आपको एचलॉन फॉर्म भी समझ आ गया, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म भी एक एक ही एग्जांपल से समझ आ गया, ठीक है। एक्स होता है यहाँ पे, वाई होता है यहाँ पे, जी होता है, तो एक्स किसके इक्वल है, इसके सामने इसके इक्वल है, ठीक है। एक्स इक्वल है जीरो के, और वाई इसके इक्वल है, ठीक है, वाई इक्वल है वन के, जी किसके इक्वल है माइनस के, ठीक है। इस तरह से एक्स वाई जी की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हमने मैट्रिक का इनवर्स लेना है, ठीक है, इसी मैट्रिक को जो ऊपर हमने लिखा ना, ए मैट्रिक था, फिर एक्स वाई जी वेरिएबल लिखे और फिर बी मैट्रिक लिखा ए एक्स बी, ठीक है, इसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके, एक एचलॉन फॉर्म, एक रिड्यूस एचलॉन फॉर्म और एक इनवर्स मेथड आप कह रहे हैं करेंगे, ठीक है। तो अब इनवर्स मेथड से समझते हैं। अगर तो आपको पेपर में दे देते हैं एग्जांपल और कहते हैं कि सॉल्व आउट करें, तो आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड करो, लेकिन अगर आपको मेंशन करते हैं कि आपने एचलॉन फॉर्म से करना है, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म से करना है, मैट्रिक फॉर्म से करना है, तो आपने फिर उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, उसमें वही होता है कि अगर हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको मैट्रिक की फॉर्म में लिखना है, अब आपने इसका फार्मूला क्या होता है इनवर्स का, ए आई, ठीक, लेना है यहाँ पे उठा के, और यहाँ पे आपने वही आइडेंटिटी मैट्रिक लिखना है कि जिसके यू 0 1 1 हो और ऊपर नीचे 0 0 हो, क्या बना लिया। अब हमने दोबारा रो ऑपरेशन करना है, वही इसको पहले हमने इस टू को पहले हमने 1 बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 1 बनाया, फिर इस नीचे वाले 2 को 0 बनाना है, फिर हमने इसको 1 बनाना है, ये देखें इसको हमने 1 बनाया, ठीक है। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, फिर यहाँ तक हो गया था ना, इस 1 के नीचे हमने 0 बनाया, ठीक है, फिर 0 बनाने के बाद अगले स्टेप को 1 बनाया, ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो करके सॉल्व आउट कर लिया। अब सॉल्व आउट करने के बाद ये देखें इसकी ये रिड्यूस एचलॉन फॉर्म आ गया, क्वेश्चन में ये साइड गिवन थी ना, तो ये अपने आपने आइडेंटिटी मैट्रिक इक्वल लेफ्ट की थी, ठीक है, और सॉल्व आउट किया था, और आपका ये पर्पज़ था कि जो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों ने साइड लेफ्ट की थी ना आइडेंटिटी मैट्रिक वाली, वो यहाँ पे बन जाए और यहाँ पे सॉल्व आउट करके जो आ जाएगा वो उसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये इनवर्स आ जाएगा, एक साइड आपने लिख लेनी है, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या करना है, ए इनवर्स बी, इन्होंने क्या कहा है कि एगमेंटेड मैट्रिक के मेथड से करना है, ए इनवर्स बी करना है, तो वही ए मैट्रिक था और जो बी वाली साइड जो राइट हैंड साइड पे थी वो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। मैट्रिक की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है, ये आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक मैट्रिक होता है, आपने उसका डिटरमिनेंट लेना होता है, ये एमसीक्यूज भी आता रहा है, पीछे क्विज 1 में आया था, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लेना, ये आपसे पूछ सकते हैं। इसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले ये जो एलिमेंट होते हैं ना आमने सामने वाले, ठीक है, इस तरह से ये ऐसे, इसको आप करते हो मल्टीप्लाई, पहले सबसे पहले इसको करते हो, यहाँ से आपने मिस्टेक नहीं करनी, 4 और 1 है ना, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, और दरमियान में आता है माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर आप इन दो आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई करते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, बिल्कुल इसी आर्डर को आपने फॉलो करना है। अगर आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हो, दूसरे को बाद में करते हो, तो फिर साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। 4 1 4 -3 2 6, तो आपके पास सॉल्व आउट करके आ जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2, साइन माइनस वाले का आएगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल का आंसर आपके पास आ जाता है -2, ठीक है। अब ये देखें एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसमें वही एग्जांपल है जो ऊपर, जस्ट साइन चेंज है, आप देखें तो आपने क्या करना है, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय -4 और -3 मल्टीप्लाई बाय 2, और दरमियान में माइनस आ गया। आप देखिए 4 1 सर क्या होता है, 4 होता है, और माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, साइन का मैंने आपको बताया होगा पीछे लगते हैं कि साइन कैसे लगाते हैं, 3 2 6 और माइनस, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखें ये प्लस कैसे हो गया, ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, और 6 और 4 10 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, माइनर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक है उसके माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अब अगर हमें कहते हैं ना कि एक मैट्रिक दे देते हैं पेपर में और कहते हैं कि इसका माइनर निकालें, तो इसके किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालने को कहेंगे। जैसे ये देखिए कह रहे हैं कि 2 3 का माइनर निकालें, 2 3 कहाँ पर है, यहाँ पे। तो जिस चीज़ का माइनर निकालते हैं ना, उसके ऐसे जो आमने सामने होते हैं ना, उनको हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट बच जाते हैं उसको मैट्रिक के फॉर्म में लिखते हैं। देखें, A11 A12 A31 और A, ये 4 एलिमेंट बच गए, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, और फिर इस फॉर्म का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, वही जैसे डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं माइनर ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक, ठीक है, उस मैट्रिक के उस एलिमेंट का माइनर ये होता है। अब कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर वैसे ही होता है जैसे हम माइनर निकालते हैं, माइनर निकालते हैं ना, वही जैसे ऊपर मैंने बताया माइनर, और साथ आप करते हो -1 की पावर रो प्लस कॉलम। अब ये रो को आई कह रहे हैं, कॉलम को जे कह रहे हैं, ठीक है, रो प्लस जे और कॉलम, ये आप एग्जांपल से करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे आगे ये देखेंगे एग्जांपल है, ठीक है, इसको कह रहे हैं सॉल्व आउट करें, तो इसमें ये क्या कह रहे हैं, किस मेथड से करें, सबसे पहले किसका माइनर निकालना है, 2 का, ठीक है, तो 2 को लिखा, और फार्मूला क्या था हमारे पास, -1 की पावर रो प्लस कॉलम, तो ये 2 कहाँ पे है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है, तो हमारे पास 1 प्लस 1, ठीक है, इसकी पावर 1 प्लस 1 आ जाएगी। अब इसका माइनर निकालना है, तो माइनर निकालने का तरीका क्या बताया था, कि इसके आमने सामने वाले को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 -3 2 -1, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ, ठीक है, इसका हो गया। अब आपने करना है नेक्स्ट का निकालना है,
तो x का निकालना है तो ये देखिए माइनस टू है। अब इसी तरह माइनस टू का निकालेंगे जब तो हम लिखेंगे माइनस वन की पावर रो और कॉलम। तो ये देखिए फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है ये माइनस टू का, ठीक है। तो वन प्लस टू आ जाएगा पावर में, ठीक है। उसके बाद ये मैट्रिक लिखना है तो मैट्रिक कौन सा लिखेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसके आमने सामने वाले खत्म हो जाएंगे। तो इसको इसके अलावा जो बचेंगे माइनस थ्री वन और टू और माइनस वन, ये देखिए मैट्रिक के अंदर ये आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपने नेक्स्ट का करना है। अब यहाँ पे आपको शॉर्टकट बता दूँ कि ये जीरो है, ठीक है। जब ये जीरो है ना तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, आप डायरेक्ट लिख लेना जीरो, क्योंकि ये जीरो जब मल्टीप्लाई होगा एंड पे तो वो जीरो ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट जीरो लिख लेना, ठीक है, आपको नंबर मिल जाएंगे। ये देखिए एंड में जीरो ही आ रहा है, तो बजाय इसकी इसको लिखने में टाइप करने में टाइम वेस्ट करें, ठीक है। अब वही आगे आपने करना है टू वन जै टू और वही माइनस वन की पावर टू और वही डिटर्मिनेंट मैंने आपको बता दिया कैसे लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेना है, सॉल्व आउट करना है और एंड पे आपके पास ये ट्वेल्व आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा ट्रांसपोज में क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ये देखिए अगर ये रो है ना, ये कॉलम है ना एट टेन जीरो, तो इसको हम एट जीरो टेन को कॉलम बना देंगे और रो बना देंगे, ठीक है। ये कॉलम है ना तो इसको हम रो बना देंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम माइनस वन जीरो फोर है तो माइनस वन जीरो फोर को ऐसे लिख देंगे। फिर थ्री टू माइनस थ्री था, ठीक है, थ्री टू माइनस थ्री ऐसे लिख देंगे। तो इसको हम कहेंगे ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज को टी से रिप्रेजेंट करते हैं और ए के ऊपर लिखते हैं। ये आपको मैट टाइप पेपर पर पता चल जाएगा सिंबल कैसे लिखते हैं, वीडियोज़ वगैरह मैंने मैट टाइप से रिलेटेड बनाई हुई हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा एडजॉइंट कैसे लेते हैं, अच्छा इनवर्स कैसे लेते हैं, ये देखिए। अब आपको जब इनवर्स लेना है ना तो एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड आना चाहिए। अब ए मॉड क्या है, डिटर्मिनेंट, जो कि मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। अब हम एडजॉइन लेना सीखते हैं। अब टू बाई टू मैट्रिक का एडजॉइन लेना बहुत ईजी है, थ्री बाई थ्री का थोड़ा बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, को फैक्टर निकालते हैं। ये देखिए कितने एलिमेंट हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इनके नौ यहाँ पे, ये देखिए नौ को फैक्टर निकल रहे हैं, तीन ये निकल रहे हैं, तीन ये और तीन ये, ठीक है। नौ को फैक्टर निकालें और फिर उन नौ को फैक्टर को इस तरह से हमने मैट्रिक के अंदर लिख देना है, ठीक है। और उसको हम कहते हैं एडजॉइन ऑफ ए, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज एंड में लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये सॉल्व आउट करके ये आ जाएगा। अब देखते हैं कि कैसे लेते हैं, वही फार्मूला ऊपर मैंने आपको बताया ना को फैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनस वन की पावर आई प्लस जेरो प्लस कॉलम और उसके आमने सामने जो होते हैं मैट्रिक, ठीक है, क्रॉस करके ये लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से को फैक्टर निकालते हैं। तो एक मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इनमें से कोई भी, ये वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सी टू टू को इसमें क्या हो रहा है, देखिए सी टू टू कहाँ पर है, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, यानी कि माइनस वन की बात हो रही है, ठीक है। तो माइनस वन की बात हो रही है तो यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस वन, ठीक है, और फिर हम लिखेंगे इसकी पावर आई प्लस जे रो प्लस कॉलम। तो ये कौन सी रो है, ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, टू प्लस टू और कॉलम लिखना है इसके अंदर। तो देखिए कौन सा लिखना है, इसके जो आमने सामने है, तो इसके आमने सामने कौन सा है, ये कट जाएगा तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो इसके अलावा जो बच जाएंगे तो यहाँ पर बच गया माइनस टू वन थ्री ज़ीरो, ठीक है, तो माइनस टू थ्री वन जीरो, ये देखिए इसकी फॉर्म यही यहाँ पे लिखी है। इसको सॉल्व आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास थ्री आ जाएगा। ये देखें ये माइनस टू मल्टीप्लाई होगा जीरो से, तो मैंने डायरेक्ट जीरो लिख दिया क्योंकि पता है जीरो मल्टीप्लाई होकर जीरो ही देता है। माइनस थ्री वन जार थ्री, ठीक है, तो हमारे पास आ गया माइनस थ्री। अब ये माइनस वन की पावर साथ साथ क्या आ रहा था, फोर। तो जब भी किसी नंबर की पावर इवन हो, टू हो, फोर हो, सिक्स हो, तो उसको हम प्लस वन लिखते हैं, ठीक है। तो ये प्लस वन मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वन, थ्री वन जार थ्री और प्लस माइनस माइनस, तो ये देखिए माइनस थ्री आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आपने सारे को फैक्टर लिखने और ये एडजॉइन ऑफ ए आ गया, ठीक है। अब हमने एडजॉइन ऑफ ए जो लिखा है ना उसका ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास एडजॉइन ऑफ ए आ गया। अब आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट का तरीका मैंने बता दिया था, माइनस टू का जब डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और ये एलिमेंट अंदर लिखेंगे। ये देखेंगे आप जब भी लेते हैं ना डिटर्मिनेंट तो पहले वाले को प्लस लिखते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, फिर हम प्लस लिखते हैं, उससे आगे हो तो माइनस लिखते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह आपने करना है, एक्सपेंड करना है। अब माइनस वन को करना है, ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास जीरो वन और वन और जीरो आ जाएगा, ये देखिए अंदर, ठीक है। इसी तरह फिर आपने नेक्स्ट थ्री को करना है तो बाहर लिखना है थ्री और इसके सामने वाले को काट के ये देखिए ये आ जाएगा थ्री वाले में, ठीक है। सॉल्व आउट करना है पूरे को और एंड में एट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताया था स्टार्ट में कि एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये एडजॉइन ऑफ ए आ गया, इसको हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि एट से डिवाइड करना है, ये हमारे पास इनवर्स का आंसर आ गया। अब इसी मेथड को हम क्रैमर रूल से अगर करते हैं, ठीक है, तो क्रैमर रूल से हम क्या करते हैं, वही पहले मैट्रिक की फॉर्म में लिखते हैं, ए की फॉर्म में एक्स वेरिएबल लिखते हैं इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। फिर ये इसका फार्मूला होता है, इसमें हमने एक्स वाई जी फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है, यहाँ पे एक्स वन एक्स टू फाइंड आउट करें तो हमने यहाँ पे लेना है डेल एक्स डेल वन डिवाइडेड बाई डेल डेल टू डिवाइडेड बाई डेल। अब ये जो चीज़ है ना ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट, ठीक है, और ये हमारे पास है एक्स का डिटर्मिनेंट, ये है वाई का डिटर्मिनेंट। इसको हम क्या पता पेपर में डेल ना हो आपको ए ए मैट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, फार्मूला आपको बता दिया है,
सबसे पहले ए मैट्रिक का डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है, ये डेल है, ठीक है, एक मैट्रिक है। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं मैं आपको बता, ठीक है, सबसे पहले इसको आपने इस फॉर्म में लिखा, अगमेंटेड फॉर्म में लिखा, ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास थी डेल, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट का तरीका बता दिया, ये आ गया माइनस, ठीक है। अब आपने एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है और वाई का, तो एक्स में क्या करना है, यही चीज़ लिखनी है, जस्ट जो एक्स वाला कॉलम है, जो पहला वाला कॉलम है, ठीक है, इसकी जगह पे आपने राइट हैंड साइड वाला कॉलम इंसर्ट कर, ठीक है, 1 2 1, तो यहाँ पे 1 2 1 लिखेंगे और बाकी ये दो कॉलम एज इट इज आ देंगे। इसको हम कहते हैं एक्स, ठीक है, ए एफ एक्स, इसको हम अगर इसको हम ए कहते हैं ना तो इसको हम ए एफ एक्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल से, तो इसको डेल वन से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। फिर आपने इसका इसका डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट कहाँ से लेना है, इसी तरह अगर आपने वाई का लेना है तो यहाँ पे वाई वाली जगह पे आपने क्या करना है, ये वाला कॉलम 3 2 1 वाला इंसर्ट करना है, बाकी एज इट इज, फिर उसका डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। फिर सारे आंसर को आपने आपस में डिवाइड करना है, नीचे आपने वही देखें डेल 3 का भी ऐसे करना है, डेल 3 में वही, यहाँ पे आपने वो राइट हैंड साइड वाला कॉलम इंसर्ट करना है, बाकी दो कॉलम एज इट इज। अब आपने क्या करना है, एक्स वन निकालना है, तो वही डेल वन जो हमने डेल वन निकाला था, जहाँ पे एक्स वाला कॉलम रिप्लेस किया था, उसका आंसर डिवाइडेड बाय डेल, डेल सबका माइनस फोर आया है, ठीक है, तो माइनस फोर से तीनों को डिवाइड करना है और ऊपर तीनों के जो हमने आंसर फाइंड आउट किया सॉल्व आउट करना है, और आपके पास एक्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू आ जाएगी। पेपर में आया तो आपके पास दो वाला आएगा, एक्स वन एक्स टू वाला, ठीक है, थ्री वाला इतना नहीं आएगा। यहाँ पे आज का लेक्चर एंड हो गया, आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, अगर लेक्चर पसंद आए, समझ आ गया हो तो आप चैनल पे अच्छा सा कमेंट करें, दुआ में याद रखें।